नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से हम IIM इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग शहरों में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में वीडियोस बना रहे हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मेरी सभी प्यारे दोस्तों को एक दरख्वास्त है, आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा और आपका जो भी फीडबैक है इसके बारे में लिखिएगा और दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर हमें IIM सिरमौर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर हम IIM सिरमौर में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई MBA कोर्स हो और कोई भी मैनेजमेंट का कोर्स हो, तो उसके बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं और उस सवालों को जवाब ये वीडियो आपको देने वाला है। जब भी हम एडमिशन लेने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जनरली जो सवाल आते हैं वो सवाल होते हैं कोर्सेज कौन कौन से वहाँ पे ऑफ़र होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज वहाँ पर हैं, फीस रेंज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सा एंट्रेंस टेस्ट और कौन सा एंट्रेंस वहाँ पे एक्सेप्टेड है, वहाँ पे कितना हाईएस्ट सैलरी पैकेज मिला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ओवरऑल परसेंटाइल रैंक क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं, स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये और बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं और वही सही सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा और आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं पूरे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो, अब तक ये अपने मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अकेडमिक इनसाइट सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी दोस्तों को मेरी एक दरख्वास्त है कि आप मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में इसी प्रकार की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस अपने आप मिलती रहेंगी। और एक बात जाते जाते मैं आपको बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आपके दिमाग में जो भी सवाल है उस सवाल का जवाब यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो IIM सिरमौर के बारे में। तो देखते हैं क्या है ये। इस इंस्टीट्यूशन की जो स्थापना हुई है 2015 में, अब तक इस इंस्टीट्यूशन का NIRF रैंकिंग नहीं हुआ है। जहाँ तक इस कैंपस की बात करना है तो ये जो कैंपस है IIM का 2010 इक्कड़ में फैला हुआ कैंपस है। यहाँ पे दो प्रकार के अलग अलग कोर्सेस यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, दो कोर्सेस यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं। फ़ीस की अगर हम बात करेंगे तो फ़ीस है 3.2 लाख टू 6.45 लाख यहाँ पे फ़ी है और इस फीस को हमें भरना होगा अगर हमें यहाँ पे एडमिशन लेना है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की एक डिग्री होना ज़रूरी है, जिसमें अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, अगर हम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें 45% मार्क्स होना ज़रूरी है, मगर हमारे पास एक रिकग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी की डिग्री होना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम्स एक्सेप्टेड, यहाँ पे कौन सा एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम एक्सेप्ट किया जाता है। अगर इस IIM सिरमौर की बात करेंगे तो यहाँ पे CAT दैट इज़ कॉमन एडमिशन टेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है, बाकी कोई टेस्ट यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट किए जाते। अगर हम पिछले साल की हाईएस्ट सैलरी की बात करेंगे, कितना पिछले साल का हाईएस्ट पैकेज स्टूडेंट्स को मिला है, अगर उसकी हम बात करेंगे तो वो है 45 लाख पर एनम। पिछले साल में 2020 में 45 लाख ये हाईएस्ट सैलरी पैकेज स्टूडेंट्स को ऑफर किया गया है कंपनियों द्वारा। तो अगर हम हॉस्टल फैसिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी कैंपस में दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर सिलेक्शन प्रोसेस का पॉइंट है तो यहाँ पे तीन चीज़ों को मिला के सिलेक्शन प्रोसेस किया जाता है, वो होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, GD एंड PI। हम जिसको बोलते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो भी हम देखिए CAT, MAT, GRE, यहाँ पे CAT है तो CAT के परसेंटाइल, GD का परसेंटाइल, PI का परसेंटाइल जिसको हम पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं, तीनों को मिला के हम एक ओवरऑल परसेंटाइल रैंक PT निकालते हैं। पिछले साल उदाहरण के तौर पे मैंने एक यहाँ पे पिछले साल का जनरल कैटेगरी का परसेंटाइल दिखाया है, वो है 95। इस प्रकार से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो की जाती है। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो स्कॉलरशिप भी पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए दिया जाता है, जैसे कि अगर हम फाइनेंशियली वीक हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पे फाइनेंशियली वीकर सेक्शंस को, फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड लोगों के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। तो ये था वीडियो IIM सिरमौर के बारे में।
सिरमौर के बारे में। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में ये जो यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है वो बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और आपका कमेंट लिखना ना भूलिएगा। तो ये था वीडियो IIM सिरमौर के बारे में। आगे आने वाले वीडियो में और भी हम देखेंगे IIM की अलग इंस्टीट्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।